हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आज का जो एमपीएसआई का जो पेपर हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंघाजी बिजली सेंटर कहाँ पे है। तो सिंघाजी बिजली सेंटर है ये जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है कि कतर की राजधानी क्या है। तो कतर की राजधानी है दोहा। अगला, 1982 से 83 में कौन सा अवार्ड स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ था तुलसी सम्मान समारोह। अगला, एंग्लो इंडियन में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं। तो ये होती हैं दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो पैलेंटोलॉजी में होता है जीवाश्म का अध्ययन। अगला, अलीराजपुर किस जिले से बना है। तो वो झाबुआ जिले से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण का द्वार किस शहर को कहा जाता है। तो असीरगढ़ को कहते हैं दक्षिण का द्वार। अगला क्वेश्चन है कि कैप्टस में कांटे कहाँ होते हैं। तो ये होते हैं पत्तियों में, कांटे होते हैं कैप्टस में। अगला, शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है। तो नरसिंहपुर में शंकराचार्य की गुफा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि किन दो ग्रहों के आसपास कोई ग्रह नहीं है। तो वो हो गया बुध हो गया और शुक्र हो गया। और दोस्तों, जो बुध ग्रह ये सूर्य के सबसे समीप ग्रह है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो वो है बुध। अगला, न्यू इंडिया के लेखक कौन है। तो अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे को कहाँ मारा गया। तो ये मारा गया था शिवपुरी में, तात्या टोपे को मारा गया था। अगला, उस्ताद आमिर खान का निवास स्थान किस जिले में। तो ये है इंदौर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था कि ओम प्रकाश कोहली मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो कहते कब बने थे। तो 8 सितंबर 2016 को बने। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। तो ये दो लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। अगला, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है। तो बारिश का पानी या बारिश का जल सबसे शुद्ध होता है। पसीने में क्या पाया जाता है दोस्तों, क्या क्या होता है। या पानी तो होता है आम रूप से, तो उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि होते हैं NH3, अमोनिया, यूरिया और साल्ट और सोडियम, या मतलब Na। अगला, पृथ्वी पर खड़े मनुष्य पर एटमॉस्फेयर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है, असत्य फल किससे कहते हैं। तो ये कहते हैं सेब को। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि कालू जी का मेला कहाँ लगता है। तो ये खरगोन जिले में लगता है कालू जी का मेला। अगला, कपिलधारा झरना कहाँ पर स्थित है। तो ये अमरकंटक में है। अगला, आला उदल ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो ये 52 लड़ी थी लड़ाइयाँ। अगला, कवि बिहारी कहाँ से थे। तो ये ग्वालियर से थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।